प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर का डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने 8086 क्या है और 8086 के फीचर्स था 8085 के साथ 8086 के कंपैरिजन को डिस्कस किया था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका जो आर्किटेक्चर डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम जो है उसे अभी डिस्कस करेंगे और फिर एक एक जो इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं या जो सिंगल सिंगल नाम लिखा है हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर वो नाम का क्या मीनिंग है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दो डॉटेड लाइन्स के माध्यम से दो ब्लॉक्स बने हुए हैं और सबसे ऊपर जो है मेमोरी इंटरफेस बना हुआ है या आईओ डिवाइसेस के लिए वहाँ पर इंटरफेस बना हुआ दिख रहा है। उसके ठीक नीचे एक जो ब्लॉक है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोने में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे BIU लिखा हुआ है, मीन्स बस इंटरफेस यूनिट। ये यूनिट जो है वो टॉप में लगा हुआ है इस बस इंटरफेस यूनिट, और एक नीचे जो दूसरा डॉटेड लाइन देख रहे होंगे उसके कॉर्नर पे EU लिखा हुआ दिखेगा, मीन्स एग्जीक्यूशन यूनिट। तो जो 8086 होता है उसके ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली यही दो मेजर यूनिट्स होते हैं। एक को बोला जाता है BIU, दैट इज़ कॉल्ड बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरा होता है EU जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट। तो सबसे पहले BIU जो बस इंटरफेस यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं एक बार हल्का देख लीजिए इसको, फिर आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे BIU के अंदर में एक एडर दिख रहा होगा या समर इसको बोला जाता है, तो आप देख रहे होंगे। फिर उसके नीचे ES, CS, SS और DS ये चार सेगमेंट रजिस्टर्स कहे जाते हैं जो इसमें लगे रहते हैं। ES एक्स्ट्रा सेगमेंट कहलाता है, CS कोड सेगमेंट कहलाता है, SS स्टैक सेगमेंट कहलाता है और DS डाटा सेगमेंट कहलाता है। ये चारों जो हैं वो 16-16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। फिर एक नीचे दिखेगा सबसे लास्ट में पांचवा रजिस्टर है, एक IP लिखा हुआ है, मीन्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये भी 16 बिट का एक रजिस्टर होता है। फिर ये सभी जो हैं बाई डायरेक्शनल लाइन्स के माध्यम से तथा सी बस मीन्स कंट्रोल बस के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, और कंट्रोल बस में राइट हैंड साइड में आप ब्लॉक में देखेंगे एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 8086 का स्पेशल फीचर होता है कि ये 6 byte इंस्ट्रक्शन को पहले से प्री फेच मोड में रखता है। जैसे एग्जीक्यूशन यूनिट को रिक्वायरमेंट है उससे पहले ही 6 इंस्ट्रक्शंस को ये फेच करके रखता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाता है। तो ये 6 byte, ये 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है ये 6 byte इंस्ट्रक्शन क्यू को इंडिकेट करता है। तो इस BIU यूनिट में ये जो है एक जो आपका एडर या समर है, दूसरा एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, ये चार सेगमेंट रजिस्टर हो गए, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गया, साथ में एक इंस्ट्रक्शन क्यू हो गया। ये तो BIU यूनिट का पार्ट है। नीचे वाले ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो EU लिखा हुआ है, मीन्स एग्जीक्यूशन यूनिट। इसमें क्या क्या लगा होता है, तो इसमें जो क्यू आप देख रहे हो राइट कॉर्नर पे, वहीं पे आप नीचे देखेंगे तो एक कंट्रोल सिस्टम दिखाई देगा। तो कंट्रोल सिस्टम का मेजर काम क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं उन सबको कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल टाइमिंग, कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करना, ये इसका काम है कंट्रोल सिग्नल का। फिर एड्रेस बसेस लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बाई डायरेक्शनल बस के माध्यम से लेफ्ट हैंड साइड में देखिए चार रजिस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, AX, BX, CX और DX। और AX मीन्स X आ गया, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि X जहाँ कहीं भी आ जाए तो आप रजिस्टर पेयर समझना है। तो मतलब A रजिस्टर पेयर, B, C और D। तो A में क्या होगा, रजिस्टर पेयर है तो AH और AL होगा। BX है तो क्या होगा, B हायर वैल्यू 8 bit और B लोअर वैल्यू 8 bit, मीन्स दोनों मिलकर 16 bit के ये चार रजिस्टर हो गए, AX, BX, CX और DX। फिर दो पॉइंटर होते हैं, एक स्टैक पॉइंटर कहलाता है, दूसरा बेस पॉइंटर कहलाता है। और फिर दो इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं जिसको सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, SI और DI स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। तो यहाँ पे चार जनरल पर्पस, AX, BX, CX और DX, ये चारों क्या हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिसमें जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है टेम्पोररी डाटा स्टोरेज के लिए इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, कल मैंने आप लोगों को बताया था कुछ एड्रेसिंग टाइप का कि कुछ इफेक्टिव एड्रेस होता है फिर फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं, तो उसके लिए ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टैक पॉइंटर हो चाहे बेस पॉइंटर है या सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है या डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर हैं ये सारे। फिर उसके बाद एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स भी इसमें लगा होता है,
जिसमें जो भी ऑपरेशन होगा वो ALU के माध्यम से ही होगा, और नीचे सबसे दिख रहा हुआ एक फ्लैग रजिस्टर लगा हुआ है जो ALU ऑपरेशन का जो भी निकल के आएगा रिजल्ट उसके बारे में बताएगा फ्लैग रजिस्टर आपका। तो इस डायग्राम ब्लॉक डायग्राम में भी अगर आप ध्यान से देखें तो 5 रजिस्टर ऊपर दिखा और नीचे जो है 8 रजिस्टर, तो 8513 हो गया और एक फ्लैग रजिस्टर, तो 14 रजिस्टर 16 बिट के होते हैं इसमें, कल डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ में। तो ये जो है टोटल और जो BIU होता है वो ही मेमोरी इंटरफेस करता है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरफेस करता है। तो चलिए अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं कि ये जो ब्लॉक डायग्राम में, आर्किटेक्चर डायग्राम में दो ब्लॉक्स हैं, BIU और EU। तो अभी तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया डायग्राम के साथ में, अब थोड़ा सा इसको डायग्राम को आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और फिर जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उससे आप वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले BIU डिस्कस करेंगे, फिर EU डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में फ्लैग रजिस्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं BIU को, बस इंटरफेस यूनिट इसको कहा जाता है। तो जो आर्किटेक्चर डायग्राम है, अगर एक सिंपलेस्ट डायग्राम बनाएं तो BIU को बस इंटरफेस यूनिट, EU एग्जीक्यूशन यूनिट, दो यूनिट्स होते हैं इस आर्किटेक्चर में। और नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम अगर बनाएं तो एक BIU और एक EU लगा हुआ है ब्लॉक में। BIU क्या करता है, तो BIU आप ध्यान से देखें तो एग्जीक्यूशन यूनिट जो है उसको और साथ में जो मेमोरी डिवाइसेज लगे हुए हैं या IO डिवाइसेज जो एक्सटर्नली लगा हुआ है उसको कनेक्ट करने का बेसिकली ये काम करता है। मीन्स नाम से ही क्लियर है, इंटरफेसिंग कराने का ये बेसिकली काम करता है। तो देखिए BIU में क्या लिखा है कि दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर establishing कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल डिवाइसेज। मीन्स ये क्या करता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेट कराने के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेज के साथ एंड पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग मेमोरी वाया सिस्टम बस। सिस्टम बस के माध्यम से मेमोरी या जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज लगे होंगे उनको ये कम्युनिकेट कराता है। यही मेजर इसका BIU का काम है। अगर देखें तो चार मेन पर्पस होते हैं इसका। पहला तो ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शन क्यू आप देख रहे थे उसके लिए तो इंस्ट्रक्शन भी फेच करना इसी का काम है। तो इट फेचेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं 8086 के लिए बने होंगे वो मेमोरी में पड़ा होगा, तो मेमोरी से फेच करना इसका पहला प्रायोरिटी पे काम है। दूसरा है कि इट रीड्स डेटा फ्रॉम IO पोर्ट एंड मेमोरी। कोई डाटा रीड करना है तब भी इनपुट आउटपुट से भी रीड कर सकता है या मेमोरी से भी रीड कर सकता है। इट राइट्स डेटा इनटू IO पोर्ट एंड मेमोरी, और अगर कोई ऑपरेशन का परफॉर्म हो गया है तो उसको मेमोरी में या IO में अगर राइट करना है तो भी यही करेगा। फिर इट प्रोवाइड्स द एड्रेस रिलोकेशन फैसिलिटी, और जो एड्रेस रिलोकेशन फैसिलिटी है, जैसे आपने देखा था कि ऊपर सेगमेंट रजिस्टर्स थे जिसके माध्यम से फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, तो यही चीज़ कहलाता है एड्रेस रिलोकेशन फैसिलिटी। तो हर प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन के समय अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, तो एड्रेस रिलोकेशन फैसिलिटी मतलब नया एड्रेस जो जनरेट होता है वहाँ पर डाटा जा करके सेव होता है। तो ये काम भी किसका होता है, BIU में ही होता है। फिर BIU क्या करता है अपने पास, तो आप डायग्राम में देखे ही थे सेगमेंट रजिस्टर रखा हुआ था, फिर इंस्ट्रक्शन क्यू एक बना हुआ था, साथ में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहाँ था, इसी में लगा हुआ था BIU में। तो सेगमेंट रजिस्टर क्या है, तो सेगमेंट रजिस्टर्स में आपने देखा कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 20 बिट एड्रेस लाइन्स होती है, इसलिए जो टोटल एड्रेस लोकेशन होगा वो कितना होगा, 2 to the power 20 होगा, और हर लोकेशन पे कितना बिट है, 8 बिट या 1 byte डेटा बोल सकते हैं। तो टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 to the power 20 into 1 byte मीन्स 2 to the power 20 byte। और अगर इसी चीज़ को अगर आप ब्रेक कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 megabyte 1 megabyte हो गया, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में 1 MB बोलते हैं। अब 1 MB मेमोरी को 16 लॉजिकल सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स जो आपके पास 1 MB मेमोरी है इसको 64 KB के 16 लॉजिकल सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक सेगमेंट 64 KB मेमोरी का होगा। तो 2 to the power 20 अगर इसको आप ब्रेक करके बनाना चाहे तो बना सकते हैं, 2 to the power 20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 16 इंटू 2 to the power 4, और 2 to the power 4 मतलब 16 हो गया, 2 to the power 16 का मतलब क्या हो गया, 64 KB हो गया, मतलब 16 64 KB के मेमोरी लोकेशंस बन सकते हैं, ब्लॉक्स बन सकते हैं। लेकिन एक समय पे सिर्फ 4 ही सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी उस टाइम पे ब्लैंक होते हैं, इसलिए उन ब्लॉक्स का इस्तेमाल एड्रेस रिलोकेशन फैसिलिटी में किया जा सकता है, या जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि 8085 में नहीं होती है, तो वो यहाँ पे चूंकि सेगमेंटेड मेमोरी है इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग आप एक समय में इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को। फिर क्या कह रहा है कि जो सेगमेंट
रजिस्टर्स होते हैं वो चार होते हैं, एक कोड सेगमेंट रजिस्टर, CS डेटा सेगमेंट रजिस्टर, DS स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जिसको SS लिखते हैं, और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर जिसको ES लिखते हैं। तो आप ऐसे भी अल्फ़ाबेट से याद रख सकते हैं, CDE, ABCD से याद रखिए, CDE और एक S, तो ये चार और सबके लास्ट में S लगा दीजिए। तो ये सब सेगमेंट रजिस्टर हैं और हर एक रजिस्टर 16 बिट का होता है। दिस रजिस्टर कंटेंस अपर 16 बिट ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस। तो जैसे आप फिजिकल एड्रेस, मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी, तो फिजिकल एड्रेस के लिए 16 बिट जो है स्टार्टिंग एड्रेस जिसको बेस एड्रेस कहते हैं वो यही सेगमेंट रजिस्टर्स रखता है। BIU generates a 20-bit address using the segment, तो BIU जो बस इंटरफेस यूनिट होता है वो फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसमें से 20-bit address using, आप कैसे जनरेट करेगा, तो एक तो सेगमेंट रजिस्टर से वैल्यू 16 बिट की उठाएगा वो, और दूसरा एक ऑफसेट एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस होगा उसकी मदद से फिजिकल एड्रेस को जनरेट किया जाता है। कैसे जनरेट करते हैं तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि सपोज़ के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, ये जो सबसे ए वाला डायग्राम है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, वो लॉजिकल एड्रेस उसको कहा जाता है। जैसे सपोज़ करिए कोड सेगमेंट का लॉजिकल एड्रेस है 348AH दिया हुआ है, मीन्स 4 बिट का, 4 बिट हेक्साडेसिमल है, इसका मतलब बाइनरी में कितना हो जाएगा 16 बिट। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मतलब कोड सेगमेंट का जो बॉटम पॉइंट है वहाँ से 64KB जो भी स्पेस होगा, मतलब 4214H, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का एड्रेस आपको दिया हुआ है। तो इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का जो टॉप है उस पॉइंट पे क्या फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा वो कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए राइट हैंड साइड में आप देखिए ये जो ब्लॉक्स कुछ बने हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है CS=348A और आगे 0 अपेंड किया हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जो कोड सेगमेंट, जो सेगमेंट रजिस्टर्स की वैल्यू होती है उसको 4 बिट 0 उसके आगे लिखना पड़ता है, मीन्स इम्प्लाइड 0 निबल, निबल मतलब 4 0 बिट्स, 4 बिट्स को ही निबल्स कहा जाता है। तो 4 0 बिट्स जो हैं इसके आगे LSB साइड में 4 आप ऐड कर दीजिए, और फिर जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है उसको एज इट इज़ LSB से MSB तक 16 बिट को एज इट इज़ लिख दीजिए, और फिर उन दोनों को साथ में जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे 0+4 4 हो जाएगा, A+1 मतलब 12 हो गया, तो B हो जाएगा, 8+2 10 मतलब A हो जाएगा, 4 4 8 और 3, तो ये फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया। सपोज़ करिए कोड सेगमेंट की जगह स्टैक सेगमेंट होता और ये IP की जगह स्टैक पॉइंटर वहाँ पे दिया रहता, तो भी वहाँ पे जैसे SS रहता, यही CS की जगह SS रहता और IP की जगह SV लिखा हुआ रहता, फिर उसके मदद से हम लोग स्टैक सेगमेंट जो होता है उसके लिए हम लोग एक फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फिजिकल एड्रेस का कैलकुलेशन होता है, और उस पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस पे ही आपका जो भी ऑपरेशन होता है या डाटा जो भी सेव वगैरह होता है वो उस लोकेशन पे रखा जाता है। इसके बाद सेकंड जो इसमें ब्लॉक में जो मेजर पार्ट है जो 8085 से डिफरेंट है वो है इंस्ट्रक्शन क्यू। ये क्या करता है कि बस इंटरफेस यूनिट फेचेस 6 इंस्ट्रक्शन बाइट इन एडवांस फ्रॉम मेमोरी। कल डिस्कस किया ही था कि एग्जीक्यूशन यूनिट को जब चाहिए इंस्ट्रक्शन उससे पहले से ही 6 इंस्ट्रक्शन बाइट जो हैं एडवांस में फेच किए हुए रहते हैं। दिस प्रीफेस्ड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन ए ग्रुप ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स नोन एज इंस्ट्रक्शन क्यू, और ये क्या कहे जाते हैं, इंस्ट्रक्शन क्यू कहे जाते हैं, और ये क्या होते हैं, हाई स्पीड रजिस्टर्स होते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन क्यू वॉक्स, और क्यू क्या होता है, क्यू जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं काउंटर पर अगर लगते हैं टिकट लेने के लिए, अगर सपोज़ डैट या सिनेमा हॉल के सामने जब आप टिकट लेने जाते हैं तो क्या होता है, जो व्यक्ति सबसे पहले खड़ा होता है क्यू में उसको सबसे पहले टिकट मिलता है, जो सबसे लास्ट में होता है उसको सबसे लास्ट में मिलता है। मीन्स जबकि स्टैक में इसका ठीक उल्टा था कि जो सबसे पहले प्लेट रखा गया था वो सबसे लास्ट में आउट हो रहा था, तो वो तो स्टैक किस पे डिपेंडेंट था, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जबकि क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, तो मतलब जो पहले काउंटर पे जाके खड़ा होगा वो पहले वहाँ से टिकट पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लिखा हुआ है फीफो, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में होता है क्यू। और बस इंटरफेस यूनिट जो है वर्क करता है एग्जीक्यूशन यूनिट के साथ पैरेलल में, और इसी कंसेप्ट को पाइपलाइनिंग कहा जाता है। पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि जिस समय, यहाँ पे अभी आपसे मैंने क्या बताया था कि 8086 के दो ब्लॉक होते हैं BIU और EU, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्लॉक एक टाइम पे काम करेगा, इंटायर ब्लॉक्स मीन्स बस इंटरफेस यूनिट भी सेम टाइम पे काम अपना कर रहा होगा, उसी सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन यूनिट भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो इस चीज़ को पाइपलाइनिंग कहते हैं या साथ में ऑपरेशन होना कहते हैं। फिर एक होता है तीसरा ब्लॉक जो एक इम्पॉर्टेंट है, वो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहाँ पे क्या करता है बेसिकली, तो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। जैसे वहाँ 8085 में प्रोग्राम काउंटर होता था कि जो भी
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को वो रखता था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। ठीक, यहाँ पे भी वही काम है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का कि ये होल्ड करके रखता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। और फिर क्या है कि इट कंटेंस द ऑफसेट वैल्यू, और ये क्या करता है इफेक्टिव है, जैसे अभी कोड सेगमेंट के साथ आपने देखा कि कोड सेगमेंट पिछले स्लाइड में कि कोड सेगमेंट के साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या प्रोवाइड कर रहा था उसको ऑफसेट एड्रेस, तो यहाँ पे क्या उसी को ऑफसेट वैल्यू या इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं। तो ये जो है इसकी मदद से फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। फिर अगला जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन था वो था एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या होता है कि ये इन्फॉर्म करता है किसको, BIU को, फ्रॉम वेयर द इंस्ट्रक्शन और डेटा टू बी फेच्ड, कि इंस्ट्रक्शन या डेटा कहाँ से फेच करना है ये कौन बताएगा BIU को। BIU तो बेसिकली एक इंटरफेस यूनिट है, लेकिन बताएगा कौन, तो एग्जीक्यूशन यूनिट बताएगा, चूँकि एग्जीक्यूशन जो कर रहा है उसी को पता है कि करना क्या है, तो जो करना है वो BIU को बताएगा, मीन्स कौन सा इंस्ट्रक्शन या डेटा को फेच करना है उसके अकॉर्डिंगली BIU वर्क करेगा। द एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, तो यू क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि इट पिक्स अप द इंस्ट्रक्शन, क्या करेगा जब इंस्ट्रक्शन क्यू आपका रेडी है तो इंस्ट्रक्शन क्यू से क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को ले लेगा, BIU के इंस्ट्रक्शन क्यू से इंस्ट्रक्शन को पिक करेगा, सबसे पहला काम तो यही होगा। फिर क्या करेगा यू उसको डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को, और डिकोड करने के बाद फिर क्या करेगा, अगला काम होगा एग्जीक्यूट कर देगा उस इंस्ट्रक्शन को। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा मीन्स ALU अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका होगा, उसके बाद क्या होगा, जो फ्लैग रजिस्टर है वो अपने स्टेटस फ्लैग्स को सेट कर देगा। फिर EU में क्या एक ब्लॉक आपने देखा था, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, तो बेसिकली ये कंट्रोलिंग काम है इसका, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, और जो भी एक्टिविटी BIU या EU में हो रहा होगा उन सबको ये क्या करेगा, उनके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर क्या है EU के अंदर में, EU मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट, और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक ALU भी लगा हुआ था। ALU का काम क्या होता है, वही जो काम 8085 में होता है, इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है, जिसका एक आउटपुट जहाँ चाहिए बस इंटरफेस यूनिट के माध्यम से आउटपुट जहाँ सेव करना है मेमोरी में वहाँ चला जाता है, दूसरा फ्लैग रजिस्टर में जा करके उसकी वैल्यूज़ को बताता है कि आखिर इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, रिजल्ट क्या है, कैसा है। फिर एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर क्या लगा रहता है, GPR। GPR का फुल फॉर्म क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर। तो यहाँ चार जनरल पर्पस रजिस्टर्स लगे होते हैं, कौन कौन, तो AX, BX, CX और DX, और AX के दो पार्ट AHAL, उसी तरह BX के दो पार्ट BHBL, CX के दो पार्ट CHCL और DX के दो पार्ट DX और DL। जैसे AH और AL आपने लिखा, इसका मतलब क्या है, A रजिस्टर का हायर वैल्यू 8 बिट और AL मतलब लोअर 8 बिट की बात हो रही है, तो इसी तरह सभी रजिस्टर्स के लिए हो जाएंगे। काम क्या होता है इसका जनरल पर्पस का, इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्प्ररी स्टोरेज ऑफ डेटा, जो भी अगर टेम्प्ररी स्टोरेज हो रहा है उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस रजिस्टर्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा वेरी फास्टली। अब जैसे कहीं से ढूंढ करके पूरे इंटायर मेमोरी से निकालना है, और अगर वो जनरल पर्पस रजिस्टर में ऑलरेडी पहले से मिल जाए तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फिर क्या होते हैं, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर, ये क्या होते हैं, तो दिस रजिस्टर्स आर यूज टू गेट डेटा फ्रॉम मेमोरी और राइट द डेटा इनटू मेमोरी। मतलब ये भी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऑफसेट एड्रेस ही, कि मेमोरी के किस पॉइंट पे डेटा लिखना है या उनसे डेटा रिट्रीव करना है, तो वो क्या करेगा, पॉइंटर रजिस्टर्स आर, जैसे कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, बेस पॉइंटर होते हैं, स्टैक पॉइंटर होता है, इंडेक्स रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। तो आखिर जो फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है वो इन पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर के माध्यम से भी संभव हो पाता है। फिर फ्लैग रजिस्टर्स, लास्ट टॉपिक फ्लैग रजिस्टर है, इसमें दिखता है डायग्राम में एग्जीक्यूशन यूनिट में। तो फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं बेसिकली, तो ये कॉम्बिनेशन होता है 16 फ्लिप फ्लॉप्स का दैट कैन बी सेट और रिसेट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। और ये क्या करता है, जो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है और उसके बारे में ये बताने का काम करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्लैग रजिस्टर को। तो फ्लैग रजिस्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8085 में 8 बिट के फ्लैग रजिस्टर्स होते थे, यहाँ पे भी अगर आप 0 से 7 तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा जैसा कि 8085 में होता था। वहाँ पे भी क्या होता था, 0 वाले बिट पे CF, फिर मतलब कैरी फ्लैग, फिर पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग, फंक्शन यहाँ भी सेम होंगे जैसे वहाँ 8085 में होते थे। फिर उसके बाद 4 बिट यहाँ पे अलग होते हैं 8085 से, जिसको आप याद रख सकते हैं एक नॉर्मल फार्मूला TDO, मीन्स
TF, IF, DF और OF। सबसे लास्ट वाला याद कर लीजिए, जो 8085 का कॉम्पेटेबल वाला बिट था, वो साथ में सबसे लास्ट में OF, जिसको ओवरफ्लो फ्लैग कहते हैं। ये सारे जो होते हैं, ये पांचों 8085 वाले और इधर के जो 8 से 15 वाले में से जो चार बिट्स यूज्ड वाले हैं, चार तो अनयूज्ड वाले हैं यहाँ पे, और इधर वाले के 8 में से 5 यूज्ड है, 3 अनयूज्ड है। इसका मतलब टोटल कितने यूज्ड हैं इस पूरे फ्लैग बिट में, 16 में। तो 16 फ्लैग जो बिट्स हैं उसमें से 9 यूजेबल हैं, और रेस्ट जो भी बच जा रहे हैं, 3 इधर और 4 इधर, मीन 7। तो 7 अनडिफाइंड बिट्स है या अनयूज्ड बिट्स कहे जाते हैं। तो जो 9 यूज्ड है बच्चों, उसमें से 6 जो होते हैं स्टेटस फ्लैग बिट्स कहे जाते हैं, और 3 कंट्रोल फ्लैग बिट्स कहे जाते हैं। स्टेटस फ्लैग बिट्स मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेशन का रिजल्ट होता है उसके स्टेटस को बस वो चेक करने का काम करता है, वो कंट्रोलिंग नहीं करता है। जबकि ये जो TF, IF और DF 8, 9, 10 नंबर वाले जो फ्लैग बिट्स हैं, वो आपके इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि क्या आखिर करना है, वो कंट्रोलिंग करने का भी काम करने लगते हैं। तो इसलिए TF, IF, DF ये तीनों अलग होते हैं, इनको कंट्रोल फ्लैग बिट्स कहा जाता है। जो रेस्ट 6 हैं 8085 वाले पाँचों, और इधर के लास्ट बिट ओवरफ्लो फ्लैग जिसको बोलते हैं, ये 6 को स्टेटस फ्लैग बिट्स कहा जाता है। तो नाम से तो क्लियर है ही। और जो TF होता है उसको सिंगल स्टेप ट्रैप फ्लैग कहा जाता है, IF को इंटरप्ट इनेबल फ्लैग कहते हैं, DF को स्ट्रिंग डायरेक्शन फ्लैग कहा जाता है, और OF को ओवरफ्लो फ्लैग कहते हैं। तो याद रखने के लिए आपको करना क्या है, 16 बिट एक रजिस्टर बनाना है आपको, जिसमें से शुरू का जो 8 बिट है, जो 8085 आप पढ़े हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम फ्लैग बिट्स यहाँ पे बनाने हैं। और उसके बाद के जो 4 बिट हैं उसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, TDO ट्रैप फ्लैग, सिंगल स्टेप ट्रैप इंटरप्ट इनेबल फ्लैग, DF मीन्स स्ट्रिंग डायरेक्शन फ्लैग, OF मीन्स ओवरफ्लो फ्लैग, 4 फ्लैग बिट, और फिर लास्ट के 4 बिट अनयूज्ड रहते हैं। ठीक है, तो 5 + 4 = 9 आपके लिए यूजेबल बिट्स हैं, आपको याद रख लेना है। तो सेम एज इट इज जैसा कि आपने 8085 में देखा था, यहाँ पे भी सेम है, कैरी फ्लैग है। अगर तो अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो सेट होगा, नहीं तो ज़ीरो रहेगा, रीसेट रहेगा। पैरिटी में अगर इवन पैरिटी है तो ये फ्लैग बिट 1 होगा, अगर नहीं है तो 0 रहेगा, रीसेट रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में फिर सेम वही चीज़ कि अगर D3 से D4 पे कोई बिट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो सेट होगा, नहीं तो आपका 0 रहेगा। BCD ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। 0 फ्लैग का मतलब क्या है कि अगर ऑपरेशन का रिजल्ट 0 है तो सेट होगा, अगर नहीं 0 है तो रीसेट रहेगा। साइन फ्लैग का मतलब क्या है, अगर MSB बिट 1 आ गया, मतलब रिजल्ट अगर आपका 0 है, नेगेटिव है, तो साइन फ्लैग आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा, मतलब सेट रहेगा। एल्स की कंडीशन में क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। ओवरफ्लो फ्लैग का मतलब क्या है कि जो भी आपका रिजल्ट आना था, जो आपके पास रजिस्टर था उसको स्टोर करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा रिजल्ट आ गया, अगर बिट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा, एल्स की कंडीशन में रीसेट रहेगा। ये जो मेजर है वो 3 कंट्रोल सिग्नल्स कहे जाते हैं या कंट्रोल फ्लैग बिट्स कहे जाते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है, ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कोई एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, और उसमें अगर कहीं प्रोग्राम में एरर है तो ये क्या करता है, अगर ट्रैप फ्लैग को अगर आप इनेबल कर देंगे तो ये हर एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के बाद वो हर इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को एक इंस्ट्रक्शन सबरूटीन के माध्यम से चेक करेगा कि क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो वहीं पे उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, वन वे टू डिबग ए प्रोग्राम इज़ टू रन द प्रोग्राम वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम एंड सी द कंटेंट ऑफ यूज्ड रजिस्टर एंड मेमोरी वेरिएबल्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल स्टेपिंग थ्रू ए प्रोग्राम। ट्रैप फ्लैग इज यूज फॉर सिंगल स्टेपिंग थ्रू ए प्रोग्राम इफ सेट अ ट्रैप इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। मतलब ये है कि अगर ये सेट होगा तो एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन के बाद क्या करेगा, वो चेक करेगा, दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब एक छोटा सा ISR रहेगा, इंटरप्ट सब रूटीन, उसके माध्यम से ये चेक करेगा और फिर अगर कोई एरर है तो आपको बता देगा। फिर उसके बाद है इंटरप्ट फ्लैग। अगर इंटरप्ट फ्लैग अगर आपका सेट है तो जो भी इंटरप्ट्स होंगे उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, जैसे इट इज़ यूज्ड टू अलाउ प्रोहिबिट द इंटरप्शन ऑफ अ प्रोग्राम इफ सेट अ सर्टेन टाइप ऑफ इंटरप्ट ए मास्केबल इंटरप्ट कैन बी रिकॉग्नाइज। जैसे ट्रैप क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, वो तो होके ही रहेगा। अदरवाइज जो मास्केबल वाले इंटरप्ट हैं अगर वो आते हैं और अगर ये रीसेट रहता है तो उसको होने ही नहीं देगा।
और अगर ये इनेबल रहेगा तो उन जो मास्केबल इंटरप्ट्स आएंगे, जैसे RST 6.5, 7.5 जिस टाइप के, जैसे जो मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं, अगर वैसे कोई इंटरप्ट्स आते हैं तो उसको ये आइडेंटिफाई कर लेगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन फ्लैग की बात करें तो क्या है कि जैसे एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है और डायरेक्शन फ्लैग अगर आपका रीसेट है, मीन्स इफ़ DF=0, तो जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन, वो एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में होगा। तो इंस्ट्रक्शन का मेमोरी, अगर मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है तो सपोज़ करिए 50 लोकेशन अगर इस्तेमाल हो रहा है और डायरेक्शन फ्लैग अगर 0 है, तो 1 से 50 तक सपोज़ करिए अगर मेमोरी है, तो जो आपका स्ट्रिंग जो प्रोसेस करेगा, अगर DF की वैल्यू 0 होगी डायरेक्शन फ्लैग की, तो वो लोएस्ट एड्रेस से हाईएस्ट एड्रेस की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये 1 है तो वो हायर ऑर्डर से लोअर एड्रेस की तरफ, मतलब डायरेक्शन फ्लैग अगर सपोज़ करिए 1 होता तो वो 50 से 1 की तरफ इंस्ट्रक्शन को चेक करेगा, और अगर ये 0 है तो 1 से 50 की तरफ, मतलब लोअर 0 है तो लोअर से हायर, और अगर डायरेक्शन फ्लैग हाई है तो हायर से लोअर एड्रेस बिट्स की तरफ क्या करेगा, स्ट्रिंग को चलाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज विथ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, इफ़ DF=0 द स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड फ्रॉम इट्स बिगनिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एड्रेस। DF=0 है तो लोएस्ट एड्रेस से स्टार्ट करेगा, अदरवाइज द स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड फ्रॉम द हाई एड्रेस टूवर्ड्स द लो एड्रेस, मतलब DF अगर 1 है तो हाई से लो एड्रेस की तरफ वो स्ट्रिंग को लेकर चलेगा। तो इस तरह से ये फ्लैग रजिस्टर्स भी ख़त्म हुए और बाकी चीज़ें भी सब डिस्कस हो गया 8086 का। तो इन सबका आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और अब बस एक क्लास और बचा है 8086 के लिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और वो है 8086 का एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स कल आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इन सबका नोट्स रेडी कर लीजिए। धन्यवाद।